अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आज हम चिकन जलफरेजी बनाएंगे, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी होगी। चले अब बनाना शुरू करते हैं। ये चिकन के लिए दो पाउंड चिकन है, जिसको स्मॉल पीसेस करवा लिए हैं। ये जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, एक एक टीस्पून जाएगा, हाफ टी स्पून जीरा जाएगा, एक टीस्पून नमक चला जाएगा, एक टीस्पून जो है टर्मरिक पाउडर चला जाएगा, हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर जाएगा, दो टेबल स्पून जो है मैं सोया सॉस डालूँगी, आधा टी स्पून गर्म मसाला डालूंगी, एक टी स्पून रेड पेपर डालूंगी और दो टेबल स्पून जो है अपना लेमन जूस डालूंगी। इसमें जो है बघार के लिए मैं जो है कड़ी लीफ डालूंगी एक टी स्पून, दो लौंग डालूंगी, चार रेड पेपर डालूंगी और दो बे लीफ छोटे छोटे टुकड़े डालूंगी और ये लहसुन अदरक डालूंगी और थोड़ा सा तेल डालूंगी जो कि चार टेबल स्पून हो जाएगा। इसमें मैं दो टी स्पून जो है बटर डालूंगी, दो टी स्पून ऑयल डालूंगी। वैसे अब इसको हमको भड़काना है इंशाल्लाह ताला। दोनों डाल दिया है, दो टेबल स्पून ऑयल डाला है, एक टेबल स्पून बटर डाला है, फिर थोड़ा और डालूंगी ऊपर। ये हमारा लहसुन रख किया हुआ जो है फिर टुकड़े किए वो डालें, कड़ी लीफ, हॉट पेपर, बे लीफ, ये सब चला। ये हमारे अपने मसालों से बनाया हुआ है, बहुत मजे की रेसिपी है। इस स्टेज पर मैं अपने सारे चिकन को डाल वेजिटेबल जाएगी, एक रेड कैप्सिकम जा रही है ये पीसेस, एक ग्रीन कैप्सिकम जा रही है पीसेस, एक प्याज इस तरह की कटी हुई जा रही है और एक छोटे ये प्याज जा रही है। एक टमाटर जो है कटा हुआ ये डालते हैं और उसके साथ साथ थोड़ी सी रेड पेपर ये चली गई। अब हमारे सारे मसाले इसमें जा रहे हैं। ये रेड पेपर जा रही है, ये टर्मरिक पाउडर जा रहा है, ये गरम मसाला जा रहा है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मसाले जो है सब डाल रही हूँ। अब ये एक ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून, जैसे ये जो हमारे पास हाफ सॉस है एक टी स्पून ये चला गया। इसमें जो है दो टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला है, ये चला गया। अब इस स्टेज पर हमें ये दो टमाटर हैं, मैंने इसको इसका प्योरे बना लिया है,
अब ये डाल दें, दो टमाटर के पेस्ट, आधी गड़ी धनिए की भी जाएगी। चिकन जो है बिल्कुल ड्राई हो गई है, चिकन बहुत ड्राई हो गई, इसी स्टेज पर मैं 3-4 टेबल स्पून जो दही डालूंगी और इसमें तो 2 टेबल स्पून जो है मैं लेमन का जूस भी डाल दूँगी। इसमें उसके बाद क्या कर इसको जो है थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए हमें इसको थोड़ा देर के पकाना होगा, फिर इसको जो बंद करके फिर आपको प्लेटर में डाल के दिखा दूँगी। लेकिन अभी 5 मिनट देर तक इससे यह सारा रिच बच जाए, लेकिन दही का पूरा और फिर इसके ऊपर जो है मैं उतारने के टाइम पर 2 टेबल स्पून जो है वो क्रीम डालूँ फ्रेश क्रीम। अब इसकी कंडीशन देखते हैं क्या हो गया है, 5-6 मिनट में ये माशाल्लाह सब तैयार हो गया है। इस स्टेज पर मैं 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा मिला लें। हमारी चिकन जब फ्रेंड रेडी है इसको बंद कर देती हूँ, प्लेटर में डाल देंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है, मज़ेदार है, बहुत मज़े की है, बहुत जल्दी बनने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई करना। और फिर जो है आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और जो हम आपको प्लेटर में निकाल के दिखाते हैं इंशाल्लाह। चिकन रेडी हो चुका है, हमने इसको प्लेटर में डाल दिया है, ऊपर से गार्निश कर दिया जूलियन कटी हुई जिंजर, ज़रा सी हरी पेपर और रेड पेपर, बस और कुछ नहीं डाला। ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़ेदार, चिकन भी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, मसाला भी इसका बहुत अच्छा बन गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। हम इस चिकन को चावल के साथ खाएंगे और नान के साथ भी खाएंगे, आपका जिस तरह दिल चाहे खाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।